हाय गाइस, आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं मिर्च पकौड़ा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 200 ग्राम मिर्च ले ली, मोटी वाली मिर्च ली है। अब इसमें बीच में कट लगाकर इसके जितने भी सीड्स हैं वो सब निकाल लेंगे। ये मैंने बॉयल करे हुए 4 आलू ले लिए हैं। अब इसकी सारी मिर्चों को कट लगा कर इसके सारे बीज, इसके सीड्स जो हैं उसे निकाल देंगे। ये देखिए मैंने निकाल दिए सारे बीज, इसी तरीके से निकाल देंगे। ये देखिए मैंने निकाल दिए हैं सारे बीज। अब जो आलू मैंने लिए थे इसे हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। ये बॉयल किए हुए आलू हैं, इन्हें हाथों से अच्छे से मैश करना है। हाफ चम्मच मैंने नमक डाला है, टीस्पून, 1 पिंच हल्दी डाली है, धनिया थोड़ा सा कुटा हुआ, ये प्याज मैंने छोटे से काटा है, छोटा सा एक छोटा प्याज था इसे मैंने स्लाइस काट लिया है, 2 चम्मच मैंने धनिया डाला है, ये मैंने चाट मसाला डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे सारी मिर्चों में भर लेंगे, इसे अच्छे से भरना है, थोड़ा सा दबा दबा के भरना होगा। ये देखिए मैंने सारी मिर्चें भर ली इस तरह से। अब इसमें मैंने क्या करना है, ये बहुत ही चिकनी होती है, इसमें बैटर सारा अच्छा से नहीं होता, तो मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा छिड़क दिया है, उसे अच्छे से सब पे कोटिंग कर दी है। हाथों से थोड़ा सा मैश कर लेंगे इसे, क्योंकि इस पे जो बैटर है वो फिर इस पे चिपकता नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रफली कर लिया है, इससे जो हम बैटर बनाएंगे वो उसके ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। इसलिए आप ये ज़रूर करिएगा, इसे स्किप मत करिएगा। ये मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें 2 स्पून मैंने मैदा लिया है, मैंने 1 कटोरी इसमें बेसन ले लिया है, 2 स्पून मैंने चावल का आटा लिया है, 1/2 हल्दी ली है मैंने, 1/2 स्पून नमक टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है मैंने। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक फाइन बैटर बना लेंगे। इसे बहुत ही पतला नहीं बनाना है, थोड़ा थिक ही रखेंगे, एकदम सारा पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर बनना है। बस ये देखिए अच्छा सा पेस्ट बन गया है।
इस तरह देखिए तैयार हो गया है। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल रख दिया, ऑयल अच्छे से डालना है, ये पूरी डिप होनी चाहिए। अब मैंने ये मिर्च ली है, इस बैटर में डिप करेंगे, डिप करके अच्छे से कोटिंग कर लेंगे इसकी और फिर इसे फ्राई कर लेंगे। इसकी कोटिंग बहुत अच्छे से करना है। ये जब ब्राउन हो जाएगी तो अपने आप से ही ये तला छोड़ देगी और फिर आप इसे पलट दीजिए, अलट पलट करके दोनों साइड से। 2 मिनट नहीं लगेंगे और ये फ्राई हो जाएंगे दोनों साइड से। बहुत ही झटपट तैयार हो जाती हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया है, हमारे पकौड़े, मिर्च पकौड़े तैयार हो गए हैं। ये सारी बैच भी इसी तरीके से मैं निकाल लूँगी। आप भी बनाइएगा इसे और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपके पकौड़े कैसे लगे हैं। ये देखिए हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं। आप इसे मिर्च के साथ, चटनी के साथ खाइए या सॉस के साथ खाइए, दोनों के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए कितने फूले फूले बने और कोटिंग इसकी देखिए चारों तरफ बहुत ही इक्वल कोटिंग हुई है, कहीं से भी ये फूले हुए नहीं है। जो अक्सर मिर्चों में खुलापन हो जाता है वो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोटिंग बहुत अच्छे से हुई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिए और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। और आप नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, उससे आपको जो भी नोटिफिकेशन पहली वीडियो आपको पहले आपको मिलेगी उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिलेगी। अपना ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।